का मूल उद्देश्य यह है कि बच्चियों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा हो, उनकी तमाम तरह की अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण होम्योपैथिक के स्तर पर किस तरह से हो सकता है, उसके निराकरण के लिए 2 दिवसीय शिविर आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। राजकीय कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय होम्योपैथिक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन। शिविर में निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य परामर्श के साथ छात्राओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का किया जा रहा है निराकरण। राजकीय कन्या महाविद्यालय में 19 और 20 अप्रैल को 2 दिवसीय निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सेवा मंदिर के डॉक्टर रविंद्र वत्स कैंप प्रभारी के रूप में अपनी टीम के साथ सेवाएं दे रहे हैं। शिविर में डॉक्टर बी एल माथुर, डॉक्टर प्रदीप कुमार माथुर, डॉक्टर दीक्षा झा, डॉक्टर चंचल, डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर श्रद्धा सेवाएं दे रही हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय के वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि शिविर में छात्राओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण कर उन्हें उपचार और दवाएं प्रदान की जा रही हैं। यह शिविर 2 दिन के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें महाविद्यालय की छात्राएं चिकित्सकों से स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त कर रही हैं। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजुला सहित कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। आज राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में 2 दिवसीय होम्योपैथी का शिविर आयोजित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि बच्चियों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पैदा हो, उनकी तमाम तरह की अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण होम्योपैथिक के स्तर पर किस तरह से हो सकता है, उसके निराकरण के लिए 2 दिवसीय शिविर आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? इसमें कॉलेज महाविद्यालय के लगभग अभी स्ट्रेंथ जो है 100 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है। यह शिविर कल भी चलेगा, तो इसमें उम्मीद करते हैं कल और भी बच्चियाँ जो स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रहती हैं, जागरूक रहती हैं, वे भी कल इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और उम्मीद करते हैं कि इसके अलावा उनके जो परिचित हैं, मित्रवर हैं, वे भी इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्टर हैं इसमें? डॉक्टर वत्स जो हैं पधारे हैं अपने सेवा मंदिर से, बाकी उनके साथ पूरी टीम लगी हुई है।